तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज वीडियो बैकग्राउंड। बेसिकली ग्रीन स्क्रीन की हेल्प से आप अपने घर पे ही सस्ते VFX का जुगाड़ कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन की मदद से ही अपने वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दो पॉइंट्स कवर करूंगा, पहला ग्रीन स्क्रीन क्या है और दूसरा ग्रीन स्क्रीन को कैसे यूज़ करते हैं। और वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी दूंगा जो कि आपके एडिटिंग को एक लेवल और अप कर देंगी। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, ग्रीन स्क्रीन क्या है। ग्रीन स्क्रीन बेसिकली एक हरे रंग का कपड़ा होता है जो कि आपको वीडियो शूट करते टाइम अपने बैकग्राउंड में लगाना होता है। इसकी हेल्प से आप कोई सा भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो, चाहे वो एक फ़ोटो हो या फिर एक वीडियो हो, आप कोई सा भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। और ये सारी एडिटिंग हम स्मार्टफोन से ही करने वाले हैं, कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, सेकेंड पॉइंट, ग्रीन स्क्रीन कैसे यूज़ करते हैं। हरे कपड़े को बैकग्राउंड में लगा लेना है, वीडियो शूट कर लेनी है। अब मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप आउटडोर शूट करते हो, सनलाइट में शूट करते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इंडोर शूट करते हो तो आपकी लाइटिंग बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए, वरना आपको बैकग्राउंड रिमूव करने में दिक्कत आएगी। अब अगर हम एडिटिंग पर आते हैं तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है काइंड मास्टर। इसमें सबसे मतलब ईजी प्रोसेस रहता है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, कंपेयर टू अदर ऐप्स ईजी पड़ता है ये। तो ओपन कर लेते हैं काइंड मास्टर को। तो सबसे पहले यहाँ पर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो क्लिक करते हैं। यहाँ अपने को तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, अगर इंस्टा स्टोरी क्रिएट करनी है तो 9:16 ले सकते हो आप, अगर यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करनी है तो 16:9 ले सकते हैं, अगर आपको इंस्टाग्राम में कैजुअल वीडियो पोस्ट करना है तो 1:1 को चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमें यूट्यूब के लिए एडिट करनी है तो हम 16:9 लेंगे। तो ये ओपन हो चुका है। अभी आपको जो भी बैकग्राउंड में फ़ोटो या वीडियो जो भी आपको इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ये बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर आपको लेयर पर टैप करना है, देन आपको मीडिया पर क्लिक करना है, फिर आपने जो भी वीडियो ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट की है वो आपको ऐड कर लेनी है यहाँ पर। देन इसकी साइज़ को आप स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आपके वीडियो में साइड में कुछ वॉल दिख रही है या फिर आपकी ग्रीन स्क्रीन छोटी है तो आप उसे क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से। मेरे फिलहाल केस में ऐसा नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। देन आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर काइंड मास्टर ने अपनी तरफ से वीडियो का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया है, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट के लिए हमें कुछ मैनुअली चेंजेस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमें परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको शो मास्क पर टैप कर देना है, ये प्रोसेस थोड़ा इजी कर देता है। तो आपको दो स्लाइडर दिख रहे होंगे, पहला स्लाइडर सब्जेक्ट की ओपेसिटी को एडजस्ट करता है और दूसरा स्लाइडर बैकग्राउंड की जो आपका ग्रीन कलर है उसकी ओपेसिटी को एडजस्ट करता है। तो हमें बैकग्राउंड को पूरा ब्लैक रखना है और सब्जेक्ट को पूरा वाइट रखना है, तभी हम सही से सिलेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों स्लाइडर को एडजस्ट करके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट पूरा वाइट है और बैकग्राउंड पूरा ब्लैक। अब शो मास्क हटा देते हैं तो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, इसे आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। अब जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में बोनस टिप दूंगा, तो बोनस टिप ये है कि जब भी आप ग्रीन स्क्रीन के आगे शूट करें तो ग्रीन स्क्रीन पर आपकी या किसी और सब्जेक्ट की शेडोज नहीं आनी चाहिए। अगर शेडोज आती है तो आप बैकग्राउंड सही से रिमूव नहीं कर पाएंगे और शेडोज़ की वजह से आपकी एडिटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए आप बैकग्राउंड से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन से थोड़ा डिस्टेंस बना के रख सकते हैं ताकि आपके शेडोज़ ग्रीन स्क्रीन पर ना आए और आपकी एडिटिंग बहुत सही हो। इस वीडियो का एक सेकेंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि बैकग्राउंड चेंज करने के बाद जो अपने साइड पर ग्रीन बॉर्डर्स रह जाती है, एडिट सही से नहीं हो पाता है, उसको कैसे हटाए, उससे कैसे डील करें। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आपका बजट कम है और आपको ग्रीन स्क्रीन परचेस करनी है तो आप ग्रीन स्क्रीन कैसे परचेस कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, और आपको एक सस्ता अल्टरनेटिव भी दूंगा उसका। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन कीप विजिटिंग।